और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्था की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है और इसके कोचिज को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एंक्लेव के अलावे करी। और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा? जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पॉट की सुविधा यहाँ पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और दंडात बैठे हैं, इन सब ने इकट्ठा बैठ कर होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है।